भारी बारिश से यमुना नदी उफान पर। हरियाणा के करनाल में कई गांवों में घुसा यमुना नदी का पानी। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आसाराम की पैरोल याचिका पर कोर्ट का निर्देश, पुराने नियम के अनुसार निस्तारित किया आदेश। याचिका पर पैरोल नियम 2021 नहीं होगा लागू। सवाई माधोपुर में भाजपा की विजय संकल्प बैठक खत्म। संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दिया जीत का मंत्र। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद। बीकानेर में युवा कांग्रेस मोर्चा की संभाग स्तरीय बैठक। प्रतिज्ञा 2023 आयोजित, चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। झालावाड़ में अंतर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। एडीजी संजीव नारजरी, कोटा रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने विजेता टीम को किया पुरस्कृत। पुलिस जवानों ने विभिन्न खेलों में दिखाया दमखम। जयपुर की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी मंडी में टमाटर की चोरी करने की वारदात आई सामने। चोर टमाटर के कैरेट चोरी कर ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। जोधपुर की डांगियावास पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 305 किलो डोडा पोस्ट और जिंदा कारतूस सहित दो तस्कर गिरफ्तार। एक अन्य तस्कर मौके से फरार। अलवर एसीबी कोर्ट ने रिश्वत मामले में सुनाई सजा। घूसखोर जेईएन और दलाल को 3 साल की सजा का ऐलान। 20,000 का जुर्माना भी लगाया। झालावाड़ में अवैध देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस सहित एक बदमाश गिरफ्तार। आरोपी की बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया। नेशनल हाईवे 52 खानपुरे पुलिया के पास घर दबोचा। चित्तौड़गढ़ की सदर थाना पुलिस की कार्रवाई। नाकाबंदी में पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। ट्रक से 135 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त, एक गिरफ्तार। मांडलगढ़ में एनएसयूआई के छात्रों ने कॉलेज में नारेबाजी कर जताया विरोध। आक्रोशित छात्र गेट पर धरना देकर भूख हड़ताल की शुरू। विभिन्न मांगों को लेकर छात्र बैठे धरने पर। धौलपुर में रेडियोग्राफर्स ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में विभिन्न मांगों का किया गया जिक्र। मांगे नहीं मानने पर 7 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी। बूंदी के नैनवा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकाली गई पदयात्रा। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के सदस्य भरत शर्मा की अगुवाई में किया गया जनसंपर्क। सूरतगढ़ सिटी पुलिस को मिली सफलता। लूट के मामले का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। सवाई माधोपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पीला पंजा। मित्रपुरा तहसील के धोरोला गांव में की गई बड़ी कार्रवाई। तकरीबन 220 बीघा भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। सुजानगढ़ में आयुक्त दिलीप शर्मा ने किया पदभार ग्रहण। सच बेधड़क में दिखाई थी खबर। नगर परिषद के नए आयुक्त होंगे दिलीप शर्मा। पुष्कर में कथा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ पुलिस ने किया जमकर दुर्व्यवहार। महिलाओं से भी धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए पुलिस जवान। भीलवाड़ा के रायला में सड़क हादसे में एक की मौत। दूसरे युवक के दोनों पैरों में हुआ फ्रैक्चर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झुंझुनू में बारिश का दौर लगातार जारी। चारों ओर हरियाली का देखने को मिल रहा है नजारा। नागकुंड में चला झरना। कोट बांध में भी पानी का स्तर पहुंचा 23 फुट तक। आरसीए का अंडर 19 टूर्नामेंट स्थगित। बारिश के कारण मैदानों पर भरा पानी। आज से होने थे सेमीफाइनल मुकाबले। बीकानेर में युवक की बर्बर पिटाई और गुप्तांग में प्लास्टिक का केन डालने का मामला। आरोपी युवक के खिलाफ जेएनबीसी थाने में मामला दर्ज। युवक का पीबीएम अस्पताल में इलाज जारी। भीलवाड़ा की पंडेर उप तहसील को तहसील बनाने की मांग ने पकड़ा जोर। विरोध में आज पंडेर उप तहसील के बाजार पूर्ण रूप से बंद। चित्तौड़गढ़ के पारसोली वन क्षेत्र में कुएं में गिरा पैंथर। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। चुड़ावा में फिर से वीवो शोरूम में चोरी का प्रयास। 2 दिन पहले किशोर गृह से आया नाबालिग पहुंचा चोरी करने। लोगों की सजगता से पुलिस ने पकड़ा नाबालिग को। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बूंदी के नैनवा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित बाइक सवार ने रोड के साइड में चल रहे युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत, बाल बाल बचा साथी।
पुष्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक वर्षीय मासूम की मौत। सावित्री माता मंदिर रोड स्थित सीवरेज पंप स्टेशन के पास की घटना। 12 में गौरक्षा सेना ने विद्युत विभाग पहुंचकर किया प्रदर्शन। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिजली ट्रिपिंग की समस्या को लेकर सहायक अभियंता को सौंपा ज्ञापन। सीकर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन C2 ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने व स्थायी करने की मांग को लेकर किया विरोध। सीकर शहर के नवलगढ़ पुलिया के पास फिर से जलभराव। जलभराव से झुंझुनू सड़क मार्ग बंद। दो दिन पहले जलभराव में की गई थी छात्र की जान। स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश। अलवर में सावन के पहले सोमवार पर झूमकर बरसे बदरा। पर्यटकों से गुलजार हुआ सरिस्का। रूपारेल नदी में बढ़ा पानी की आवक। सिलीसेड़ झील पर मौसम का लुत्फ उठा रहे टूरिस्ट। बूंदी जिले में सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। बोलबम के जयकारों से गुंजायमान हुए शहर के शिवालय। उदयपुर के हिरण मगरी थाना इलाके में चाकूबाजी की वारदात। चाकूबाजी में एक युवक हुआ घायल। आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दोस्तों के साथ बैठे युवक पर किया हमला। आरोपी मौके से हुए फरार। गंगापुर सिटी में नगर परिषद के अस्थायी कर्मचारियों ने लगाया जाम। एमएलए रामकेश मीणा को सौंपा ज्ञापन। 3 महीने से नहीं मिला कर्मचारियों को वेतन। सिरोही जिला मुख्यालय पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिजली का तार टूटकर बाइक सवार पर गिरा। गनीमत रही इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अजमेर SP चूनाराम जाट पहुंचे पुष्कर। पुष्कर सरोवर के डूब क्षेत्र का किया दौरा। ब्रह्मघाट पर भरे बरसाती पानी में चलकर ग्राउंड जीरो पर डूब क्षेत्र का किया दौरा। पाली के रोहट में रोडवेज चालक की बड़ी लापरवाही आई सामने। तेज बहाव में बहती सुकड़ी नदी के रपट पर सवारियों से भरी बस दौड़ाई। गनीमत रही इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। टोंक स्थित मोती सागर बांध की चली चादर। किसानों के चेहरे पर आई खुशी। पुलिस व्यवस्था नहीं होने कारण ग्रामीण दिखे गोते लगाते। सिरोही जिले में तेज मूसलाधार बारिश के बाद अलग अलग इलाकों में जल भराव के हालात। जवाल अस्पताल के बाहर 4 फीट तक भरा पानी। मरीजों को हाथ लोरी से पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। झुंझुनू के बीलवा की सरकारी स्कूल में ग्रामीणों का बवाल। कृषि व्यवसाय के अनुदेशक पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। विरोध को देखते हुए अधिकारियों ने अनुदेशक के साथ साथ प्रिंसिपल को भी किया APO। करौली में जिला कलेक्ट्रेट पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 5 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। जल्द भुगतान की मांग। अजमेर के आदर्श नगर आली पुलिया के पास मिला RPSC सेक्शन ऑफिसर का शव। अलवर गेट थाना क्षेत्र से बहकर आया शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीकर में कोचिंग छात्र की मौत का मामला। वकीलों का विरोध जारी। कार्य स्थगन कर जताया दुख। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पाली के तखतगढ़ में बारिश से बिगड़े हालात। तखतगढ़ चौराहे पर भारी पानी की आवक से रास्ता बंद। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। विधायक अनीता भदेल के बिगड़े बोल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट पर बोली भदेल, अंधे तुझे पता नहीं है क्या? ये पुरस्कार ब्यूरोक्रेट्स के चहेतों को जाएंगे। भीलवाड़ा में बीजेपी नेता भड़ाना के जन्मदिन पर हुआ विवाद। भाजपा नेता और समुदाय विशेष हुए आमने सामने। समुदाय विशेष ने भाजपा नेता पर लगाया आरोप। उदयलाल भड़ाना ने आरोपों को नकारा। भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ पहुंचकर त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर में करी पूजा अर्चना। सावन के पहले सोमवार पर शिव जी महाराज को बिलपत्र चढ़ाकर की पूजा अर्चना। आगामी 5 अगस्त से शुरू होने वाली राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा रवाना किया गया। मशाल रथ शाहपुरा पहुंचा। आमजन ने किया रथ का भव्य स्वागत। झालावाड़ के कलमंडी तिराहे के समीप गिट्टी से भरे डंपर ने सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को कुचला। गंभीर घायल श्यामलाल बंजारा की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर किया जब्त।
झालावाड़ के बकानी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, मृतक प्रेमचंद लोधा बताया जा रहा है। प्रहलादपुरा गांव निवासी, बकानी कस्बे के समीप कोटा भोपाल मेगा हाईवे पर घटना। सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल ने किया अमृत योजना 2 का शिलान्यास। मंच पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का फोटो नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष और भाजपाइयों ने जताया विरोध। साथ ही 28 लाख की फायर ब्रिगेड दमकल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में ग्रामीणों की मांग, विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग का करवाया जाए फिर निर्माण, बच्चों के लिए करवाई जाए सुरक्षित बैठने की व्यवस्था। मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण। राजसमंद में भारी बारिश, बनास नदी का वेग बढ़ा, मोही पुलिया पर कार फंसी, ड्राइवर ने कार को छोड़कर बड़ी मुश्किल से बचाई अपनी जान। कोटपुतली के नीमराणा में महिला जिम ट्रेनर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पंखे से लटकता हुआ मिला महिला जिम ट्रेनर का शव, मामले की जांच कर रही पुलिस। चित्तौड़गढ़ में किशोर की मौत पर हंगामा, ऑपरेशन के बाद हुई थी किशोर की मौत, कलेक्टर कार्यालय में परिजनों का धरना प्रदर्शन, परिजन और समाज के लोगों ने की कार्रवाई और 50 लाख के मुआवजे की मांग। जयपुर में चाकसू के मंडालिया मैदा गांव में तलाई में रिश्तेदार का मामला, प्रशासन ने ग्रामीणों को दिया आश्वासन, बीच का रास्ता निकलते ही होगा पानी की निकासी का समाधान। भीलवाड़ा में कांस्टेबल अर्जुन लाल मीणा की सजगता, रास्ते में मिले 40,000 रुपए और 2 एटीएम मालिक तक पहुंचाने की कोशिश में सिपाही, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, शेयर किए फोन नंबर। अजमेर में ट्रेन के कोच से बेडशीट ब्लैंकेट चुराने वाले 2 यात्री गिरफ्तार, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जियारत को आए थे आरोपी, कोच अटेंडेंट की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज। जयपुर में बारिश से हाल बेहाल, बारिश के कारण सीकर रोड पर फेल हुआ ड्रेनेज सिस्टम, हर साल की तरह इस बार भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं, बीआरटीएस कॉरिडोर में भरा करीब 3 से 4 फीट तक पानी। टोंक में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात, कई दुकानों और मकानों में भरा पानी, आमजन को करना पड़ा परेशानियों का सामना, दुकानदारों को हुआ भारी नुकसान। सावन के पहले सोमवार के दिन बीकानेर के शिवालय में धूम, भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता, शिवालयों में किया गया जलाभिषेक। दौसा में सावन के पहले सोमवार पर मौसम हुआ खुशनुमा, रिमझिम बारिश का दौर शुरू, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, नीलकंठ गुप्तेश्वर सोमनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। करौली में जाटव समाज के शिव मंदिर को तोड़ने का मामला, मंडरायल रोड स्थित अंबेडकर सर्किल पर बना हुआ था शिव मंदिर, जाटव समाज में भारी आक्रोश।